अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो जी, हम आज बना रहे हैं चना पुलाव, और ये बन जो बना रहे हैं ये हमारी शेफ़, और हम इसमें क्या डालेंगे वो भी बता देते हैं। और साथ साथ हम आपको रेसिपी बताते जाएंगे। और ये पहले सबसे पहले ये बता दो, क्योंकि चावल के हिसाब से सब कुछ जलता है, जितने चावल होंगे उतने हमें बाकी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हम पहले वो बता दें जो हमारी रेसिपी है उसके मुताबिक हम बताएंगे, बाकी शेफ को तो नहीं पता कि वो कैसे बनाते हैं। आप बताएं हमें कि कितने चावल हम बना रहे हैं। ये है 3 किलो चावल। सही हो गया। तो 3 किलो के चावल में हमने डालना क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये हम इतना नहीं बता सकते कि जितना पुलाव अच्छे वाला पुलाव बनता है, लेकिन हमारी जो असल बात है कि हमने खैरात के लिए बनाना है और हम हर फ्राइडे को बनाते रहते हैं। तो मेरे बताने का मकसद ये नहीं है कि हम खैरात को बता रहे हैं, लेकिन ये है कि इंसान के पास अगर कुछ हालात जैसे भी हो, इंसान को अल्लाह के हवाले देना चाहिए और गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सर्दी है। तो बस मैं ये बताती चलूँ कि ये 3 किलो चावल है, और ये जो टमाटर है उसकी क्वान्टिटी आपने काटे थे कितने थे, तकरीबन 4 से 5 टमाटर थे, जो ज़्यादा बड़े वाले नहीं थे। और ये है प्याज, प्याज 2 3 to 4 थे, 3 to 4 थे। और ये है लहसुन, और ये है ग्रीन चिली, और ये है जो गरम मसाला होता है जो पीसा हुआ होता है, और हम मैं पीस के नहीं डालती क्योंकि इसको मैं ऐसे ही डालती हूँ जैसे मुसाबिक है। तो इसमें क्या क्या है गरम मसाले में क्या? वो तो फिर मैं बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो ऐसे भी जो है, अगर किसी को चाहिए हुआ तो फिर मैं बता दूंगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं ना इसको ना पीसती नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैं डाल के ताकि इससे जो ये जो कुछ फ्लेवर वगैरह इसमें डालना होता है वो चला जाता है। फिर इसको मैं ना स्पून के थ्रू निकाल लेती हूँ, स्पून के थ्रू निकाल लेती हूँ ताकि फिर ना चावल बिल्कुल साफ़ सुथरे आए। और ये जो आपको दिख रहा है ये है चना, ये चना जो है ये छोटे वाला है, ज़्यादा बड़े वाला नहीं है। मुझे बड़े वाला चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे था नहीं, तो बस मैंने कहा चलो ये तो चना कितना है, चने का मुझे कुछ मेरे हाथ से 1 KG था। हाँ, 1 KG था। और इसको मैंने पहले कुछ टाइम के लिए रख लिया था पानी, हाँ भिगो के तकरीबन 1 घंटे के लिए सिर्फ भिगो के रख दिया था। और बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, और आप लोग भी देखते जाइए। और ये जो है बिरयानी मसाला, वैसे मैं पुलाव में कभी भी बिरयानी मसाला नहीं डालती क्योंकि मुझे ना पुलाव का जो टेस्ट होता है वो पुलाव वाला ही अच्छा लगता है, तो मैं नहीं डालती। लेकिन आज क्या है कि हमारे चावल हैं ज़्यादा, यानी जो फ्राइडे को हम बनाते हैं ना वो चावल होते थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो कंस्ट्रक्शन वाले मजदूर भाई हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो चावल भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए ना मुझे ये जो इन चीज़ों की क्वांटिटी है वो मुझे कम चाहिए होती है, यानी कम लेती हूँ, चाहिए तो ज़्यादा होती है लेकिन मैं लेती कम हूँ। तो इसलिए मैं इसमें ना थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ, चाहे वो सिंधी हो चाहे वो बॉम्बे हो जो भी हो, तो फिर ना इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है और मज़दूर भाइयों के लिए वो थोड़ी अच्छी बन जाती है। और मैं चाहती हूँ कि वो टेस्ट भी अच्छा हो और मुझ पर भी ना फाइनेंशली कोई ज़्यादा खर्चा ना आए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो ये लो। अच्छा मैं अब आप बोल जाओ जी। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज, हाँ बिस्मिल्लाह। कभी भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, मुझे तो वाइट वाला अच्छा लगता है। और तब लहसुन मैं क्या करूँगी, इसमें अभी मैं डालूंगी क्या लहसुन, अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी, फिर इसके ऊपर जो क्या होता है लहसुन होता है मैं इसके ऊपर रखूँगी ताकि थोड़ा सा ना ये नरम हो जाए। फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगी। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये लहसुन, और इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी ताकि क्योंकि ये फिर खुद ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस ये डाली, तो अब इसको हम कर लेते हैं, इसका फ्लेम जो है वो ज़्यादा नहीं, बस ठीक है हम रख लेते हैं। तो बस अभी हम डालते हैं इसमें टमाटर, ये हमारे जो प्याज हैं आप देख रहे हैं ये थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, वैसे हम इतना ब्राउन नहीं करते लेकिन आज हो गया था कि हम चले गए नमाज़ पढ़ने, हमें सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ लें, लेकिन पीछे ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, इसमें हम डालते हैं टमाटर जी। तो
वो हमारा बॉयल किया हुआ था, लेकिन क्या था कि चना तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, और इसको सॉफ्ट करने के लिए हम टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट होने नहीं दिए, उससे पहले हम डाल लेते हैं ताकि इसका सॉफ्ट हो जाए। तो ये हम डाल दिए अच्छे ना, और हमने डाल लिया ग्रीन चिली, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ना रेड चिली, जो होती है रेड चिली पाउडर होता है, वो आप हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें डालेंगे नमक। तो बस अभी हम कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से गल जाए इसको, और चना जो है वो सही डालेंगे। थोड़ा सा मुझे सख्त लगा, जिस तरह मैं नरम करती हूँ उस तरह नहीं था आज, तो फिर मुझे लगे ये टमाटर के साथ ही ये सही से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये है इसकी असल शक्ल, और अब हम इसमें डालेंगे नमक और रेड चिली, वो मैं शायद अभी ना लेता हूँ, लेकिन बस ये है कि उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है, नमक की तो वैसे हर कोई अपने हाथ से डालता है। टमाटर थे, अनियन थे, जो लहसुन था, वो सब कुछ इसमें ना अच्छी तरह से गल चुका है, और इसकी शक्ल अभी ये है जो आपको दिख रही है अच्छी सी ब्राउन ब्राउन की। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ा सा बिरयानी मसाला, जो मैंने पहले नहीं डाला था, मैंने ग्रीन चिली की डाल दी थी ग्रीन चिली। तो ये देखें, ये हमारी ना ग्रेवी जो है इसकी अब की हालत ये है, और इसमें जो हमने अनियन डाले थे, जो कुछ भी डाला था, टमाटर क्या था, लहसुन था, जो कुछ भी था, वो सब इसमें अच्छी तरह से गल चुका है, और लेट हो रहा है क्योंकि शाम से पहले हमने ये इसको बांटना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, और आपको मैं आप बताती चलूँ कि इसमें मैंने क्या डाला। इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर डाला सॉरी, और इसमें मैंने नमक डाला, और इसमें मैंने और क्या डाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये वाले गरम मसाले, जो कि मैंने हर चीज़ को खुद ही अलग कर लिया था, जो यानी ये सब मिक्स हो के नहीं आया था, मैंने खुद ही डाला कि कितनी क्वांटिटी डालनी है किस चीज़ की। तो अब इसमें मैं ये डालूँगी, ये मैंने डाल दिया, और अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी के बाद की जो बात होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ओके अच्छा जी, तो ये देखिए हमने डाल दिया है इसमें पानी, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने चावल डालने हैं, बाकी हमने सब कुछ डाल लिया है, लेकिन ये जो मसाले हैं गरम मसाले, इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर चावल जो होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, फिर अच्छा नहीं लगता ये जो मसाले होते हैं इसमें, इसको मैं ना इसमें डाल लेती हूँ, इसको अलग कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट निकलना होता है वो निकल चुका है, क्योंकि पानी काफ़ी उबल चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने इसको रखा था, और ये देखिए आपको खुद भी दिख रहा है कि पानी कैसे उबल रहा है। अब इसमें से हम ये सारे स्पाइस निकाल लेते हैं, और फिर ये जो पुलाव हमारा होगा उसमें ना ये कुछ नहीं दिखेगा, यानी जब खाते वक्त मुंह में आ जाता है तो बहुत ही अजीब लगता है, तो ना इसको ऐसे करेंगे। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिर्फ इसमें पानी डालेंगे, और पानी के बाद इसको थोड़ा सा हम तेज आँच पर रखेंगे, और उसके बाद हम इसको दम पे रख लेंगे, फिर जो दम के बाद इसकी सूरत हाल होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तो बस ये देखिए मैं निकालती जा रही हूँ, तो बस ये तकरीबन निकल चुकी, क्योंकि इसके साथ ये जो चने हैं ये भी निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर छोटे छोटे रह गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे के सारे निकल जाएँ। तो ये देखिए, और जो चनों का है मैं ख़ास ख्याल रखी हूँ ताकि वो ना वेस्ट हों, तो बस ये देखिए तकरीबन निकल चुके हैं ना। तो ये देखिए जी, हमारे चावल, हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, 3 किलो का पुलाव जो हमने बनाया था, ये देखिए ये इस तरह का है, और बिल्कुल अच्छा सा बन गया, यानी जो चिपकने वाला होता है वो नहीं है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है सही से। तो अभी हम जाएंगे और हम इसको ना बांटने जाएंगे, क्योंकि फिर ईशा की अजान हो जाती है, तो फिर उससे पहले हमने बांटना है, क्योंकि फिर लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो बस मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ कि हमारा पुलाव बना कैसे है, ये देखिए आपको दिख रहा है, और टेस्ट भी हम आपको बताएंगे।
अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और चावल हम बांधने का काम कर रहे हैं। हमने कुछ मजदूरों को दे दिया, लेकिन देखिए हम ऐसे शोपर में डालते जा रहे हैं और फिर रास्ते में जो भी मजदूर हमें नज़र आते हैं तो उनको हम दे देते, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उन्हीं को हम ना बस गाड़ी में से अगर बाहर निकला दे तो फिर हम गाड़ी में से उन्हें चावल दे देते हैं। तो ये ईजी तरीका है और आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपना हैरान दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आजकल सर्दी का मौसम है तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम जाते हैं और जैसे कोई मजदूर कोई गरीब सामने आ रहे तो उसको दे देते हैं। तो ये था हमारा आज का